हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आबी देके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, क्या आप अपने DSLR कैमरे से वीडियो या फोटो क्लिक करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं DSLR कैमरा कैसे चलाएं? तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप अपने DSLR को ऑन कर लें। ये स्विच होता है, आपको इस डॉट को ये ऑन के उसमें लेकर आना है इस तरीके से। जैसे ही आप ये करेंगे आपका DSLR ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको एक चीज़ ज़रूरी से ध्यान से कर लें। पहली बार अगर आप कैमरा चला रहे हैं तो आपको ये ऑटो फोकस का ऑप्शन दिख रहा होगा A+, तो इस रिंग को घुमा के डायरेक्ट यहाँ पर ले आए वाइड के सामने, ठीक है। इससे होगा क्या कि कैमरा हर सेटिंग ऑटोमेटिक करेगा। अगर आप पहली बार कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें रखना ज़रूरी है, नहीं तो आप अच्छी फ़ोटोज़ नहीं खींच पाएंगे। अब यहाँ पर हम फोटो क्लिक करते हैं, तो फोटो क्लिक करने के लिए यहाँ पर इस बटन पे प्रेस करें, दबाएं इसे, तो देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर दिखे, ये जो ये ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर दिखाई दे, स्क्रीन पे ना दिखाई दे, तो आप एक बार इस पर क्लिक करें, तो अब आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको इसके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। बट मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब हम फोटो क्लिक करते हैं, तो इसके लिए देखिए आपको, अगर आप जूम करना चाहते हैं तो लेंस का ये हिस्सा ऐसा आगे पीछे करें, तो इससे आप जूम कर पाएंगे। देख सकते हैं आप, अपनी मर्ज़ी का आप जूम कर लें। और ये जो बटन है, ये बटन, ये वाला, इसे आप एक बार दबाएंगे तो फोकस होगा और दूसरी बार लॉन्ग प्रेस करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैं दबाया है तो ये फोकस हो गया, दूसरी बार दबाऊंगा, देख सकते हैं आप, फोटो क्लिक हो गई है। इस तरीके से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इस फोटो को देखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन दिख रहा है, ये बटन, इस पर क्लिक करें, देखिए फोटो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और भी फोटोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरीके से ऐसा करें तो सारी फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर फ़ोटो वीडियो दिख जाएगी। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो फ़ोटो पे इस तरीके से ऐसा क्लिक करें वीडियो पे, और इसके बाद यहाँ पर ऐसा क्लिक करें एंड ये डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से यहाँ पर लाएँ और ओके करें तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये स्विच पर आपको बिल्कुल लास्ट वाले पे लाना है, यहाँ से तो वीडियो मोड पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर रेड डॉट बन के आ जाएगा और आपकी वीडियो रिकॉर्ड होने लग जाएगी। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ से वापस से बंद हो जाएगी वीडियो, और यहाँ से आप वो वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब जरूर कर दें।